तो अच्छे अच्छे हैं। तो पहला है इंग्लैंड प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग इंटरनेट, तो वेलकम टू आरएन ब्लॉग्स। तो आज कुछ थोड़ा बहुत काम है, तो काफ़ी देर हो गई, अभी टाइम हो रहा है, यो माय गॉड देर बज रहा है, सोने से आज उठने सो के उठने में देरी हो गया काफ़ी, क्योंकि कल रात को सोने में देर हो गया, तकरीबन देर ही बज गया था रात को सोते सोते, तो इसलिए सुबह उठते उठते 11:30 हो गया था। तो अभी कुछ काम है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आज क्या काम है। अभी थोड़ा मेरा जो एटीएम है वो काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम, तो उसको ठीक करने का है अभी पहला काम। तो बाइक हो गया स्टार्ट, तो चलिए ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि मालूम है कि आप लोगों को सिराज के साथ लद्दाख जाने का प्लान था, लेकिन बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरा प्लान कैंसिल हो गया। तो क्योंकि मेरा जो डेयरी फार्म का बिजनेस था वो मैंने कर दिया अभी बंद, तो अभी मैंने चालू किया ढाबा, मतलब वही जगह में, जगह सेम है, वही जगह में मैंने ढाबा खोल दिया है। तो इसीलिए आज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है ऑन द, मतलब रनिंग कंस्ट्रक्शन चालू है, तो उसके लिए एक कुक का भी ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, तो अभी चल रहा है काम, तो थोड़ा बहुत मैं भी, मेरे को भी मालूम है खाना का बनाने का आइडिया, तो ऐसे ही चल रहा है, तो रेस्पॉन्स बुरा नहीं, रेस्पॉन्स अच्छा ही है। तो चलिए अभी मिलते हैं डायरेक्ट ढाबा में। तो रेस्टोरेंट में आके यहाँ बन रहा है मेरा लंच, तो लंच कुछ ऐसा, ये चिकन ब्रेस्ट विदाउट ऑयल पक रहा है, सम सलाद, और अभी इसमें जाएगा थोड़ा सा राइस, बॉयल राइस। तो इसको ऐसे पकाएंगे, ये खा के अभी बज रहे है, कितना बज रहे भैया, अभी बज रहे 3:30, 4:15 बजे जाना है मुझे जिम, काफ़ी दिन हो गया जिम छूट ही गया ये रेस्टोरेंट की वजह से, क्योंकि सुबह उठने में लेट होता है, क्योंकि रात को सोने में लेट होता है, तो उसी वजह से मेरा जिम का जो शेड्यूल है पूरा बिगड़ गया है। तो इससे पहले कि और ना बिगड़े, तो कल गए थे रात को जिम, लेकिन आज सोच रहा है कि आज से जिम जाना पड़ेगा, क्योंकि सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पैसा तो आते जाते रहेंगे, उस नहीं तो बाद में पैसों के चक्कर में वो बीमारी वाला शरीर रखे घूमना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसको खाते हैं, खा के
मेरे साथ चलिए जिम। तो खाना वाना वा खा के थोड़ा रेस्ट लेके अभी जा रहे हैं जिम। तो आज दिखाते हैं हम लोग का जिम, सोना जिम। चलिए सोना जिम में, और यहाँ का नज़ारा देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। मेरे ढाबा से, ढाबा रेस्टोरेंट जो भी बोले आप, ये देखिए पूरा खाली मैदान। यहाँ चूरत ससु काफ़ी भयंकर तरीके से, और वहाँ पे काला बादल मंडरा रहा है, शायद बारिश आएगा। थोड़ा बारिश गिरने से भी अच्छा ही होगा। तो चलिए अभी चलते हैं जिम। चलिए रात, यहाँ से चलते चलते बहुत देर हो जाता है, तो इसीलिए ये है मेरा एंट्रेंस। ये रात को बारिश गिरा तो वो पत्ता पत्ता गिर के ऐसा हो गया। अरे वो ऊपर देखिए, वो चींटी ने घर बनाया है, घोंसला चींटी का। तो चलिए, और ये रहा अपना बाइक, बाइक को लेके चलते हैं जिम। जय बजरंग बली। स्वैग, सनग्लास पहनना जरूरी है स्वैग के लिए। टाइम हो रहा है 4:40। ये गाय अभी उधर खुश के तांडव करेगा, तो इसको भगाना जरूरी है। यहाँ के लोग भी गाय पालते हैं लेकिन बन के नहीं रखते हैं। तो चलिए अभी ये गाड़ी, मतलब ये गाड़ी ने बवाल मचा के रख दिया है। ये साले लोग, ये लोग साले रास्ते में पैसेंजर थाएंगे, ये लोग साले रास्ते के बीच में रुक के पैसेंजर थाएंगे, ये लोग साले ये कभी नहीं सुधरेंगे ये सब, स्पेशली टेम्पो लोग। और हम लोग का यहाँ पे बोलने वाला तो कोई है ही नहीं। जहाँ पैसेंजर देखा वहीं पे खड़ा कर दिया, पीछे जाम लगे क्या लगे बस उसका कोई परवाह नहीं। क्या करके बाइक चला रहे हो, आदमी का क्या भूत चबा रहे हेलमेट ना पहनने में, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरा घर से जिम काफ़ी दूर हो जाता है, 7-8 किलोमीटर हो जाता है। कार्डियो सेक्शन, यहाँ पे ट्रेडमिल, यहाँ पे साइकिल हुआ, ये मैं हूँ, हाँ ये मैं हूँ, यहाँ पे ये देखिए अभी ट्रेडमिल से अभी आएगा साइकिल पे। तो ये फुल कार्डियो सेक्शन है, ये इसमें आप यहाँ पे कार्डियो कर सकते हैं आराम से। तो काफ़ी बड़ा जगह है, और इसके ऊपर में है, नेक्स्ट फ्लोर में है आपका आयरन सेक्शन। तो कितना टाइम हुआ? 15 मिनट। ओके बढ़िया। और वो नीचे और रास्ता, चल रहा है तो ये कार्डियो सिखा रहा है अभी, कार्डियो सिखा रहा है। हाँ, तो ये क्लाइंट है।
चलिए अभी दिखाते हैं ऊपर। राहिल तो ये हम लोग का ओनर, तो भैया गए थे थोड़ा बाहर, आ गया अभी। तो चलिए ये नीचे का कार्डियो सेक्शन दिखा दिया, ऊपर देखिए ऊपर है आयरन सेक्शन। हाँ का মানে উল্টা পাল্টা লাগবে রাখি আছো, উপায় নাই। রাতিপুৱা অহা নাই, ৰাতি আহি আছো, আঠটাত কোনোবা দিব ৰাতিপুৱা। আজি টেষ্ট মাৰো দে। তো আজ करने वाले हैं चेस का एक्सरसाइज, तो चलिए थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए तो चेस डे है, तो पहला है इंक्लाइन बेंच प्रेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंक्लाइन मशीन प्रेस। Thank you.
हो गया आज के लिए। अंदर में एसी था, बाहर अभी काफ़ी गर्मी। ब्यूटीफुल हॉट। तो चलिए अभी फ्रेश होके निकलते हैं यहाँ से। हो गया आज के लिए चेस्ट वर्कआउट। तो अभी चलेंगे फिर से अपने रेस्टोरेंट, जो भी बोले ढाबा रेस्टोरेंट उसमें, ठीक है। तो चलिए अपना जिम का झलक दिखला दिया आप लोगों को। ओ, ये जिम जहाँ पे है उसको, वो लोकेशन बैंगतल गेट में, बैंगतल गेट बोलते हैं ये लोकेशन। अभी टाइम हो रहा है 6:14। मैं आया था 4:45 को। एग रोल खाने का मन कर रहा है तो छोसा के मोहन तो एग तो एग रोल लेके पैकिंग करके यहाँ पे खाने का इरादा नहीं है, घर में जाके आराम से खाएंगे। तो वहीं सोच रहा हूँ कि घर में, मतलब अपने रेस्टोरेंट में जाके आराम से बैठ के वहाँ पे खाएंगे, क्योंकि जिम करने के बाद काफ़ी गर्मी लगता है, इसलिए यहाँ पे रुकने का मन नहीं है अभी। ओ भाई जी थोड़ा साइड दे दो, हाँ साइड दे दिया, गुड। आप वहाँ से साइड दे दीजिए। ओहो हो,
लाल बत्ती दिखा लिए, कोई बात नहीं, हम यहाँ से कुछ शेयर देंगे। हाँ यहाँ पे ऐसे ही चलाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो आ गए अपने ढाबा की गली में, लोकेलिटी यहाँ पे साइनबोर्ड लगा दिया है, लेकिन वो नंबर मेरा गलत लिखा हुआ है, 4985 9131 होगा, और 1 के जगह में 7 डाल दिया है। तो मुझे भी बहुत दिन दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब मैंने इतना नोटिस नहीं किया था। एक दिन एक बंदा आके मुझे बोला कि दादा वो नंबर में मैंने फ़ोन किया था, कोई दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरा आदमी पकड़ता है। तब मैंने जाके देखा कि ये देखिए 8638645913 होना चाहिए, उधर 737 कर दिया है। तो क्या करें अभी, गलत। तो मेरा भी दोष है इसमें, मैंने भी नोटिस नहीं किया। तो चलिए अभी अंदर का लाइट बुझ जला देता हूँ, अंधेरा हो गया है। चलिए लाइट जलाने के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये है जो आपको बोला था कि कोई अगर बाइकर वगैरह सस्ते में रहने के लिए आते हैं यहाँ पे बोंगाईगांव में, तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ये हो गया सामने वाला लाइट, ये हो गया यहाँ का लाइट, और ये डाल देते हैं, ये थोड़ा जुगाड़ वाला लाइट है, इसको मैंने ऐसा किया ताकि जल्दी की जल्द ख़राब ना हो। इसको देख के यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, फिर यहाँ में सीधी से रोशनी, ये वाला है। और आगे का नज़ारा कुछ रात को ऐसा दिखता है, जो एंट्री वाला गेट है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो आप लोगों को कैसा लगा बताएगा। और ये है टिनी हाउस। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे खाता हूँ वो जो एग रोल लेके आया था, पंखा चला दिया। और ये देखिए शाम का व्यू यहाँ से, ये है डाइनिंग, डाइनिंग से शाम का व्यू। चलिए तो अभी बज रहा है 10:30, थबा बंद। तो कुछ आज ज़्यादा कस्टमर नहीं आया, बारिश आ गया अचानक, तो इसलिए कस्टमर आज काफ़ी कम है, होता है कभी कभी ऐसा। तो अभी बंद करने का समय हो गया, सब करते हैं। और रात में घूमने का मजा कुछ। तो घर आके नहा वहा के अभी बैठ गए, ये अभी एडिटिंग चालू होगा, ठीक है। कल सुबह तो ये वीडियो आ जाएगा, लेकिन आप लोग के लिए एक पहली है कि ये जो बक्सा है, ये अलेक्जेंडर शोर के गए थे, ऐसा बक्सा है, देखिए आजकल ये दिखाई नहीं देगा, ये एंटिक पीस है मेरे पास। तो ये जो बक्सा है आप लोगों को गेस करना होगा, इसके अंदर में क्या है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग गेस कीजिए, कमेंट में लिखिए इसके अंदर में क्या है। ये मतलब बहुत मेमोरी वाला बक्सा है, ये जब मैं क्लास टू थ्री में था तब यह बक्सा लेके जाया करता था स्कूल में। तब मैं बाएगा जो अभी मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल हाई स्कूल है उसमें
पढ़ाई किया करता था, तब ये बक्सा लेके जाया करता था। ये देखिए, तो इसके अंदर में कुछ है, लेकिन क्या है आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टिल देन, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।